ओम नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष बुधवार द्वादशी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, अच्छे विचारों वाले, अपने वचन को पूरा करने वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, धन और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ऐसे जातक प्रेरणादायक, विरोधियों को नीचा दिखाने वाले, शत्रुओं पर विजय पाने वाले और अचानक आक्रमण करने की योजना में प्रवीण होते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले, यदि किसी प्रकार के नशे के शिकार नहीं हुए तो अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। ऐसे जातक उन्नतिशील और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मेष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी मंगल देव हैं। आज भी चंद्रमा पर शुक्र की सप्तम दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र भी शुक्र का होगा, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी। आज यदि शादी के प्रस्ताव के संबंध में कहीं बात करनी है तो आज के लिए समय अनुकूल रहेगा। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, रचनात्मक क्रियाशीलता बल देगी, रुके हुए काम संपन्न होंगे, मगर अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा में उतार चढ़ाव आता रहेगा। मौसम संबंधी जटिलताओं से सावधानी अपेक्षित है। आज के दिन किसी को ऋण नहीं देना चाहिए। आज के दिन दिया गया पैसा जल्दी वापस नहीं मिल पाता है और हर तरह की अड़चनें पैसा वापसी को लेकर आ सकती हैं। साथ ही साथ आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक किसी नए काम की शुरुआत ना करें, इस दौरान किए गए कार्य बाधित हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन चंचल प्रवृत्ति के साथ ही चलता रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र के प्रति जुनूनी मानसिकता के लिए प्रेरित करेगा। भावनात्मक रिश्तों का विकास होगा और स्वयं में ऊर्जावान महसूस करेंगे। साझेदारी के कामों में रुचि बढ़ेगी और नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ कामों में रुकावट भी महसूस हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता के साथ ही आर्थिक पक्ष से थोड़ी चिंता महसूस होगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। उन्नति के अवसर मिलेंगे, साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए निजी निवेश की संभावना बनती है और साझेदारी के काम संपन्न होंगे। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक निवेश संभावित है और कार्य क्षेत्र के विस्तार का मौका मिलेगा। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है। खर्च और आवश्यक संसाधनों के मुद्दों पर सतर्कता रखनी चाहिए। हालांकि रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में दबाव महसूस होगा और विरोध की संभावना बनती है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता में वृद्धि होगी और व्यक्तिगत मामलों में आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा। साथ ही कुछ आवश्यक और उपयोगी विषयों में भी रुचि बढ़ेगी। व्यावसायिक योजनाओं का विकास होगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। बुजुर्गों से लाभ और साझेदारी बनी रहेगी, मगर ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सावधानीपूर्वक सोच समझ कर लेने चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में रक्त विकार और त्वचा से संबंधित संक्रमण होने का अंदेशा भी बनता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक होगा, प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुकून और संतुष्टि वाला महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के साथ उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी और सफलता हासिल करेंगे। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। निजी निवेश, भूमि वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में आज का दिन साथ देगा। विरोधी पक्ष से लाभ की उम्मीद बनती है, साथ ही रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। संतान संबंधी चिंता कुछ विषयों को लेकर हो सकती है, मगर रास्ते भी मिलते जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामलों के प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे।
सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास होगा और संबंधित मामलों में रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। विभागीय अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा और नई कार्य शैली का विकास होगा। नई कार्य योजनाओं के लिए रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी। अब तक जो कार्य ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे थे या जिनके लिए सार्थक पहल नहीं हो पा रही थी, वो सारे काम भी अब संपन्न होने लगेंगे और आपके प्रयासों से रुकते हुए मामले भी सुलझ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातक स्वस्थ व ऊर्जावान बने रहेंगे। आपके प्रयासों को गति मिलेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता और नई कार्य योजनाओं के लिए मित्र व सगे संबंधियों से भी सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभावित है, मगर अचानक यात्रा या प्रवास की स्थिति का संकेत मिलता है। निजी संबंधों में तनाव व तर्क वितर्क की स्थिति के साथ ही दोषारोपण की संभावना भी बनती है। अपनी वाणी पर संयम रखें। संतान संबंधी रुकावटें खत्म होंगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का समय उन्नतिकारक होगा। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में चलते रहेंगे। शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर कार्य क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। कुछ मामलों में वाद विवाद व मानसिक भ्रम के साथ खर्च भी संभावित है। वाणी पर संयम रखें। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। निजी निवेश की योजनाएं भविष्य के लिए लाभकारी रहेंगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृश्चिक राशि के जातक स्वास्थ्य संबंधी सुधार महसूस करेंगे, मगर मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। चंद्रमा छठवें चल रहे हैं, जिससे काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और स्थायित्व बना रहेगा। अपव्यय में महिला वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। धनु राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में कमी के साथ मानसिक अवस्था प्रभावित रहेगी। पिता के साथ विचारों में भिन्नता हो सकती है। चंद्रमा के शुक्र के नक्षत्र में चलने से कार्य क्षेत्र की सक्रियता में कमी संभावित है। पहल करने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। प्रशासनिक सहयोग जारी रहेगा। साझेदारी में लाभ मिलेगा। कार्य योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। नई कार्य योजनाओं में दोषारोपण की संभावना बनती है, मगर आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा बनी रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वाणी में जोशीला अंदाज और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। नई कार्य योजनाओं में आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ बना रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन हर क्षेत्र से अनुकूलता लिए बना रहेगा। पराक्रम बढ़ा रहेगा। प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और संबंधित कामों में प्रतियोगी भावना बनी रहेगी। पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। मीन राशि के जातकों के लिए अति आशावादी कल्पनाशील मानसिकता बनी रहेगी। हालांकि धन संबंधी मामलों में सुधार की प्रवृत्ति विकसित होगी। रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं। रुका हुआ धन भी मिल सकता है।
साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे। मन की व्यग्रता और नकारात्मक विचारों को दूर रखें, साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी और आर्थिक रूप से जोखिम वाले कामों में सावधानी अपेक्षित है। मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।